नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इसको कैसे एक्टिवेट करते हैं ये बताने वाला हूँ। इससे पहले वीडियो में हमने इसका अनबॉक्सिंग की थी और बताया था कि किस तरह से कार्ड देखने को मिल जाता है, क्या क्या चार्जेस इसका देखने को मिल जाते हैं। आज मैं आपको इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, ये पहले से एक्टिवेट नहीं होता है, इसे अपने FI बैंक के एप्लीकेशन के ज़रिए एक्टिवेट करना पड़ता है। तो इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर सर्च करना है FI करके, FI और सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। मैंने पहले से ही डाउनलोड किया है, आपको इसको डाउनलोड करना है। अगर आप फर्स्ट यूज़र हो, मतलब नए यूज़र हो, तो आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। मैंने पहले से साइन अप किया है, इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली अंदर जाऊँगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे करंट बैलेंस मेरा ऐड है, मैंने अभी तक कोई भी स्पेंड नहीं किया, यहाँ पे कुछ भी सेव नहीं हुआ है। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कितनी बार यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पे रिसेंट ट्रांजैक्शन मैंने 500 के दो ट्रांजैक्शन किए थे, वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। यहाँ से आप सेव भी कर सकते हो, अगर आप सेव करना चाहते हो अपने अमाउंट, कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हो, फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हो, तो बड़ी आसानी से इसे कर सकते हो। यहाँ पे आपको समरी देखने को मिल जाती है, आपने ओपनिंग बैलेंस कितना था, मनी इन कितना हुआ, आउट कितना हुआ, सेव कितना हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। स्मार्ट डिपॉजिट है, अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन करने के बाद आपका जो भी मिनिमम अमाउंट होगा, 1 रुपया 2 रुपया, सपोज 10 रुपये का ट्रांजैक्शन करते हो और आप चाहते हो कि 1 रुपया 10 रुपये ट्रांजैक्शन करने के बाद, 10 रुपये पे करने के बाद आपका 1 रुपया आपके फिक्स डिपॉजिट में हो, मतलब अलग हो और सेव रहे 1 रुपया, ऐसे करते करते आपका जो भी अमाउंट आप स्पेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1 रुपया करके सेव हो जाएगा। तो आपकी एक सेविंग अकाउंट एक काफ़ी अच्छा अकाउंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें बहुत सारे RTGS IMPS सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो भी करेंगे ट्रांजैक्शन वो फ्री मिलता है। यहाँ पे चेक भी आपको फ्री में मिल जाता है, साथ ही साथ ये कार्ड आता है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं लगता और इसका एनुअल चार्जेस भी नहीं है। सिर्फ आपको इसका चार्जेस कब लगेगा, अगर आप इसको घुमा देते हो और ये आपके पास या फिर क्रैक हो जाता है और आप नया लेना चाहते हो, तो यहाँ पे नया लेने के लिए आपको 250 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। लेकिन ये काफ़ी अच्छा कार्ड है फिलहाल, यहाँ पे देख सकते हो। इसे एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको FI बैंक का अकाउंट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की तरफ राइट साइड में डेबिट कार्ड का आइकन है, कार्ड का आइकन है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो हैज़ यूअर डेबिट कार्ड RI, तो यहाँ पे स्कैन QR कोड है। जब भी हमें डेबिट कार्ड मिलता है तो हमें QR कोड भी मिलता है उसी के साथ, तो इसको आपको स्कैन करना पड़ता है तभी यह एक्टिवेट हो जाता है। तो मैं अभी यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए स्कैन QR कोड पे क्लिक करूँगा और इसको स्कैन कर दूँगा। और यहाँ पे देख सकते हो उसने स्कैन कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हो गो टू सेटिंग प्लीज़ इनेबल द कार्ड फॉर POS एंड ATM विड्रॉल टू डू दिस हेड टू कार्ड यूसेज सेटिंग। तो गो टू सेटिंग यहाँ पे देख सकते हो इनेबल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, ये बाई डिफॉल्ट इनेबल होता है लेकिन इसे आप डिसेबल भी कर सकते हो। इसी के साथ इनेबल कॉन्टैक्ट लेस चाहिए तो इसे आप इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा और ये भी यहाँ पे देख सकते हो मेरा पासवर्ड होगा, जो भी पासवर्ड है आपका, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैंने पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पे मेरा इनेबल कॉन्टैक्ट लेस भी हो चुका है। इसी के साथ अगर आप इनेबल ATM विड्रॉल, मतलब ATM से भी विड्रॉ करना चाहते हो इस कार्ड के ज़रिए, तो यहाँ पे देख सकते हो इसे भी आपको ओपन करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, जो भी आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ये भी अभी ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक्टिवेट हो गया है, मतलब अभी आप किसी भी ATM से कैश विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप डिसेबल करेंगे तो कोई भी बैंक से आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो इनेबल कार्ड स्वाइपिंग का, इसे भी इनेबल करना, तो सेम प्रोसेस है, कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये था कार्ड का एक्टिवेशन प्रोसेस, काफ़ी अच्छा कार्ड है। अगर आप लेना चाहते हो, जीरो बैलेंस अकाउंट है पहले, तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मेरे पास, मैंने दिखाया था आपको, मैं फिर से दिखाता हूँ, मेरे पास 10 कार्ड पड़े होंगे और सारे कार्ड फ्री है। ये देख सकते हो ये कार्ड फ्री है, इवन मैंने IDBI का कार्ड लिया था, ये भी फ्री है। जीरो बैलेंस अकाउंट है, कोटक का है मेरे पास जीरो बैलेंस अकाउंट, एक्सिस का है, TGSB का जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो इनमें से मुझे काफ़ी ये कार्ड काफ़ी अच्छा लगा, ये कार्ड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप इसे ले सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि ये कार्ड से तो इसमें ज़्यादा फीचर दिए गए हैं और ये टोटली फ्री है। तो और इसका जो ऐप का इंटरफेस है वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इससे आप सेविंग भी कर सकते हो
और बहुत सारे इसको इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। इसमें से बहुत सारे कूपन भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आप किसी पे स्पेंड करते हो तो यहाँ पे आपको कूपन भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा फ़ायदा भी हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हो इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। अगर आप लेना चाहते हो ये कार्ड तो बिंदास ले सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये कार्ड अच्छा है, इनमें से इन 5-6 कार्ड में से तो काफ़ी अच्छा ये कार्ड है, आप बिना किसी डाउट के ले सकते हो। तो ये था कार्ड का एक्टिवेशन प्रोसेस। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।